आधा भारत मौसम विभाग के अलर्ट से सहमा हुआ है। कालाई आंधी ने टेंशन थोड़ी और बढ़ा दी है, लेकिन डरिए नहीं, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर भारत में आंधी और बारिश का अंदेशा जताया है। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए अलर्ट। शाम को मौसम बिगड़ने की आशंका है। दक्षिण भारत में 12 मई के बाद का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल घिरे हुए हैं। मेडिटेरियन सी से 5 देश पार कर हवाएं भारत पहुंची। जम्मू कश्मीर से दिल्ली का रुख किया। आज तेज हवा और बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। कल रात भी कई शहरों में आंधी चली है। बीती रात उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी चली, कुछ जगहों में बारिश भी हुई। दिल्ली में धूल भरी आंधी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जयपुर और भोपाल में भी तेज हवाएं चली। देहरादून, मेरठ में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। शिमला में भारी बारिश के साथ ओले गिरे। दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया और राजस्थान की नॉर्थ राजस्थान की प्रांत, वेस्टर्न राजस्थान की प्रांत में अभी डेवलप हो रहे हीटिंग के अनुसार शाम तक ये भी डेवलप होकर इन प्रांतों में भी आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। कल रात दिल्ली में आई आंधी ने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। लोग जब तक संभलते सब कुछ खाक हो चुका था। दिल्ली में एक एक करके 3 एम्बुलेंस में आग लग गई, 2 लोगों की मौत हो गई, 1 की हालत गंभीर है। दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय इलाके में आग लगी। सभी एम्बुलेंस एक नर्सिंग होम के सामने पार्किंग में खड़ी थी। कल रात 12:30 बजे आग लगी। एम्बुलेंस एक निजी फर्म की थी। राहुल और गुड्डू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। ये दोनों एम्बुलेंस की सीट पर सो रहे थे। चश्मदीदों ने बताया कि आग मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से फैली। ये जब तक निकल पाते आग भयावह हो चुकी थी। लोगों ने बताया कि आंधी की वजह से आग तेजी से फैल गई। इस पर 4 फायर फाइटर्स ने काबू पाया। ये तस्वीरें आग बुझने के बाद की हैं। लोगों के मुताबिक जिन 2 लोगों की मौत हुई वो एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में बनी सीट पर सो रहे थे। एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट के पास सो रहा था, उसे बचा लिया गया, लेकिन पिछला दरवाजा वक्त रहते नहीं खुल पाया। हवा चल रहा था, इसके कारण आग तेज हो गया। एक लड़का ने हल्ला किया जो सुबह है, जो 90% जला हुआ, फिर भी स्टाफ ने उसको निकाला, लेकिन जो पीछे सो रहे थे दोनों, उनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई।